तो देखिए इसमें मैं आ गया हूँ, ऊँचू भवन के अंदर आ चुका हूँ। अभी सुबह का टाइमिंग है करीब यहाँ। किसी प्रकार का कोई भी हम लोगों को तकलीफ नहीं, जो भी यहाँ आना चाहता है उसकी एज का निश्चित है। खाने पीने का सब अच्छा, अपने घर में भी ऐसा खाना नहीं मिलता। तो नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो में फिर स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, और बात करते हैं यहाँ पे कि ऊँचू भवन भी कल का चालू हो चुका है, जिसका उद्घाटन कल हुआ है, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो बाहर थे वो भी देख पाएंगे काशी विश्वनाथ धाम। और ऊँचू भवन की बात करें तो यहाँ पर ऊँचू भवन जो चालू हुआ इसमें 40 बेड डाले गए हैं। और बात करते हैं उसको संचालन जो किया गया है, उदयपुर की कोई कंपनी है उसको संचालन के लिए दिया गया है ऊँचू भवन को। चलता हूँ, देखा ट्राई करता हूँ यहाँ पे आपको आगे पूरा चल के। तो आप लोग दर्शन करिए यहाँ से श्री काशी विश्वनाथ धाम का, हर हर महादेव सभी लोग को। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए जो यहाँ पे जो बिजली जो गिरी हुई थी अभी तक, देखिए यहाँ पे इसको बनाया नहीं गया, वैसे ही छोड़ा गया है जो शिखर ऊपर का है। और यहाँ पे लॉकर सुविधा हुआ करती थी, इसको शिफ्ट कर दिया गया है गंगा व्यू गैलरी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। हमको लगता है यहाँ पे कुछ फूड कोर्ट वगैरह उस तक खुलने वाला है कुछ दिन इस दुनिया में। इधर भारत माता स्टैचू बनाया गया है इस साइड में। तो देखिए ये है श्री अमितेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पे, आपको इसका भी दर्शन करा देता हूँ आप लोग को। ये देखिए मंदिर है, यही जय हो बाबा। ये देखिए ये मंदिर है, उस साइड हम निकल जाएंगे, मणिका घाट निकल जाएंगे उस साइड। और ये है देखिए शौचालय बनाया गया यहाँ पे, आप देख सकते होंगे ये शौचालय। इस साइड भी मंदिर है, देखिए गेट लगा दिया गया, यहाँ पे गेट नहीं था पहले। ये देखिए मान धातेश्वर महादेव मंदिर है, देखिए यहाँ पे दान पात्र भी लगा दिया गया है, ये सब पहले नहीं था, देखिए सब चेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे दान पात्र नया लगाया गया, जो दर्शनार्थी लोग दर्शन करने आएंगे यहाँ पे आराम से दान में दान पेटिका में दान पात्र डाल सकते हैं। ये है मंदिर, सामने से दिख रहा होगा आपको, सामने से गंगा व्यू गैलरी है, सामने दिखाता हूँ चल के आपको। तो देखिए एक मंदिर ये भी है, आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ यहाँ से। यहाँ से ये है देखिए, इधर वैद्यनाथ भवन है इस साइड में यहाँ पे। तो देखिए इसमें मैं आ गया हूँ ऊँचू भवन के अंदर आ चुका हूँ। सुबह का टाइमिंग है करीब यहाँ पे 8:30 बज रहा है, और देख सकते हैं इसमें ऊँचू भवन में खड़ा हूँ। चलता हूँ ऊपर की थोड़ा सा कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, बेड जो वहाँ पे बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे ऊँचू भवन कल चालू हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे 40 बेड लगाए गए हैं जो कि उदयपुर की कंपनी है, उसको संचालन किया गया है। ये है देखिए यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए ये ऊँचू भवन है, आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका चारकल उद्घाटन हुआ है। ये देखिए इतनी बड़ी है, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्डिंग पूरी। ये देखिए पूरा इस भवन का नाम वैद्यनाथ भवन है ना, जिसके यहाँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये वैद्यनाथ भवन है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा सभी सुविधा का कितना बेहतरीन बनाया गया है, पूरा देख सकते हैं सोफा लगाया गया, हर चीज लगाया गया। देखिए बैठे वहाँ पे लोग बुजुर्ग लोग खा भी रहे हैं वहाँ पे, आप देख रहे होंगे इधर इस साइड से, मैं इस साइड से आया हूँ। तो चलिए चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर सीढ़ियों की तरफ से चल के ऊपर ऊँचू भवन चालू हुआ, दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। काफ़ी जो बुजुर्ग आते हैं यहाँ पे उनके लिए बनाया गया है, जो कि 15-20 दिन का टाइम दिया रहता जाता है कि मोक्ष काशी विश्वनाथ में खुल गया। एक जगह और था यहाँ पे नई सड़क पे था, और एक यहाँ पे खुला गया है। देखिए ये बेड है, देखिए यहाँ पे आ गया हूँ। आता था ना, ये देखिए ये बेड दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए इसी कल उद्घाटन हुआ यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूरे 40 बेड लगाए गए हैं, 40 बेड लगाए गए ना, अभी 14 है, अभी और बेड लगाए जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बेड अभी लगाए गए हैं फिलहाल में, अभी और बेड लगाने बाकी। कुल टोटल 40 बेड, मुझे जहाँ तक पता है कि मुझे 40 बेड कुल लगाए जाएंगे यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा। चलिए थोड़ा सा बात करता हूँ, मैं नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी, थोड़ा सा इसके बारे में कैसा क्या मतलब कैसा ये बना, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बहुत सफाई का सब बहुत ख्याल है, हर चीज बेस्ट तो बेस्ट। आप कब से यहाँ पे आई हैं? हम दो दिन हुआ। दो दिन, अच्छा। हर तरह का ख्याल रखा जा रहा है। तो कैसे इसके बारे में पता लगा आपको यहाँ पे? ये हम राजस्थान में थे। अच्छा, राजस्थान में थी। हाँ, राजस्थान से पाई हैं। तो वहाँ से हम लोग का ग्रुप भेजा गया है। कितने ग्रुप, कितने लोग आप लोग आई हैं? हम लोग 7 लोग आए हैं, जिसमें एक वापस चले जाएंगे। अच्छा, वापस चले जाएंगे आप लोग। हाँ, अच्छा अच्छा लोग अच्छा छोड़ने आप लोग आई हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। और कुछ कहना चाहेंगी आप? और कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या पड़ेगा? करोता चौथा जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे। तो ये देखिए, इस तरह से बेड यहाँ पे बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। इधर ये पूरा बेड है, इस तरफ ये देखिए, यहाँ से पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ ये चीज़। अच्छा, रहने के लिए आए हैं। अच्छा, कब कब कैसे पता लगा आपको यहाँ के बारे में? कहाँ से आए हैं? हम तो मतलब उदयपुर से आए। उदयपुर से आए हैं। उदयपुर संस्था को चलाने के लिए साथ दिया गया है इसको। हाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे? जितना बेहतरीन सुविधा मिली गई यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं कहने का मतलब ये है कि इतनी बढ़िया व्यवस्था दिया गया, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाह रहा हूँ मैं, श्रेष्ठ। कभी आपने सोचा काशी विश्वनाथ मंदिर में मुक्षु भवन खुलेगा? कभी आपने सोचा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर में मुक्षु भवन खुलेगा? नहीं सोचा, नहीं सोचते थे कभी, लेकिन आज पॉसिबल हो गया। ये नरेंद्र मोदी जी को श्रेय दिया था हमको। बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या पड़ेगा? आपका अच्छा अच्छा राजस्थान के जी। बहुत बहुत धन्यवाद ढूंढने के लिए हमसे आप। जी जी, तो ये देख सकते हैं, ये मुक्षु भवन बेड लगाए गए, 15 बेड अभी लगाए गए हैं पूरा फिलहाल में। आप देख सकते हैं इधर पूरा, देखिए उधर उस तरफ भी लगाया गया है दोनों तरफ, और बेड लगाना बाकी यहाँ पे है। देखिए, सभी बिल्डिंगों में लिफ्ट सुविधा दी गई है, ताकि काफ़ी बढ़िया। देखिए, पहला मंजिल पर खड़ा हूँ, ये देखिए लिफ्ट सुविधा दी गई है। ऊपर से भी आप ऊपर भी चले जाएंगे, इस तरह से भी सब जगह बनाया गया। देखिए, ये है एग्जिट, यहाँ पे फायर ब्रिगेड बना सा लगाया, तैयारी सब लगाया गया है। यहाँ पे चलता हूँ, थोड़ा नीचे दिखाता हूँ चल के आपको। सकते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल बताइए आप। यहाँ पर जो मुक्षु भवन के नाम से, वैद्यनाथ भवन से जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में है, जो भी यहाँ आना चाहता है उसकी एज का निश्चित है 62 साल से जो ऊपर है, महिला और पुरुष है दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उसको अपना आधार कार्ड, फोटो और मोबाइल नंबर, उनके परिवार की डिटेल, और उनसे परिवार से एक लिखवाना भी पड़ेगा कि जो मेरे पेरेंट्स हैं यहाँ रहना चाहते हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इसके बाद उनका जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वो वेरिफिकेशन किया जाएगा। और यहाँ पर आवेदन 15 दिन पहले करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आवेदन कैसे करेंगे लोग, मतलब ऑनलाइन करेंगे, यहाँ पे आके मंदिर में आके करेंगे, प्रशासन कैसे करेंगे? हमारी जो राजस्थान की जो एक तारा संस्थान है, वहाँ पर भी ऑनलाइन आवेदन होते हैं। अगर यहाँ का लोकल है, अगर यहाँ खुद आकर भी अपना, देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको, राजस्थान कंपनी उदय है, उदयपुर की कंपनी है, उसको संचालन किया दिया गया है यहाँ पे करने के लिए। उस कंपनी का नाम तारा है, तारा। और कुछ बताना चाहेंगे? हमारी जो तारा संस्थान है उसमें 6 से लगकर 7 तक वृद्धाश्रम है, और उसमें हॉस्पिटल भी है, जो आँखों का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाता है। और यहाँ पर भी जो भी वृद्ध लोग आएंगे हैं, उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं होगा, सारी निःशुल्क होगी। यहाँ पर हमें चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, 4 नर्सेज रखी गई है, उनके साथ केयर टेकर रखा गया है, और कुकिंग के लिए भी 2 महिलाएँ रखी गई है उनके लिए, जो अपने जो सामान्य जीवन में जो मतलब खाने पीने जितने भी व्यवस्था सब इनको दिया जा रहा है, पूरा निःशुल्क रहेगा, पूरा सारे निःशुल्क खाने पीने से लगाकर उनके कपड़े। अच्छा, ये कितने दिन तक रहेंगे ये लोग?
जब तक इनकी इच्छा है जब तक रह सकते हैं। जब तक इनकी इच्छा है तब तक। अच्छा, ये लोग कहाँ से आए हैं? इनमें से जैसे 6 लोग आए हैं अभी, राजस्थान से भी है, गुजरात से भी, महाराष्ट्र से भी है, यूपी से भी है, एमपी से भी है और दिल्ली से भी है। अच्छा अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे? आप अपना नाम बता दीजिए बारिश में। मेरा नाम कौमुदीकांत तामेटा है, मैं तारा संस्थान से जुड़ा हूँ, उदयपुर से हूँ, राजस्थान से। मतलब आपसे भी संपर्क कर सकते हैं लोग इसी बारे में। देखिए भैया, यहाँ ने बहुत अच्छी जानकारी दिया यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमसे। थैंक यू। तो चलिए, ये संस्था जो बनाई गई है कैसा लग रहा है आप लोग को? मतलब कि इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? थोड़ा सा तेज बोलिएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग कब से आए हैं? माता जी आप कुछ बताना चाहेंगी? कल आप लोग आए हैं। जो इतनी काशी विश्वनाथ मंदिर में इतनी बेहतरीन सुविधा दी गई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किसी प्रकार का कोई भी हम लोगों को तकलीफ नहीं है, आप भी संतुष्ट रहिए ये हमारे इस कथन से, और हम भी संतुष्ट हैं। आप लोग राजस्थान से आए हैं? आप लोग राजस्थान से आए हैं? हाँ। अच्छा लखनऊ के हैं। अच्छा लखनऊ के हैं। अच्छा अच्छा, कैसे इसके बारे में पता लगा आपको? राजस्थान से ही? हमारे आश्रम से। अच्छा, आश्रम से लगा आपके? आश्रम का ही मैनेजमेंट। अच्छा अच्छा, मैनेजमेंट है। और देखिए यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था पूरी दी गई है। देखिए यहाँ पे आंटी खा रही है बैठ के, ये देखिए। नहीं, इतनी बढ़िया फैसिलिटी दी कि इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं बढ़िया है, बढ़िया है, है। हाँ। बाबा की नगरी में आप बैठ के, धाम में बैठ के इतनी अच्छी सुविधा ले रही हैं। और क्या चाहिए जीवन के अंतिम चरण में, और चाहिए क्या? जी जी जी, गंगा मैया स्वयं ही मुक्ति देने वाली है। जी जी जी। और फिर यहाँ भगवान शंकर प्रत्यक्ष विराजमान हो, इसका तो कहना ही क्या? जी 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 जी, क्या कहूँ इस बारे जी जी जी, उन्होंने ही कृपा करके हमें यहाँ बुलाया है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग को जुड़ने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं बात किया हूँ, ये देखिए भैया आ रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। इस संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो इतनी अच्छी सुविधा दी गई है आप लोगों को, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? अच्छी सुविधा मिली है, खाने पीने का सब अच्छा, अपने घर में भी ऐसा खाना नहीं मिलता। अच्छा, अपने घर में भी ऐसा खाना नहीं मिलता है, देखिए सबसे बड़ी बात आपने कही है। और सबसे बढ़िया आप ये है कि यहाँ बाबा के धाम में बैठ के आपको सब, बाबा के धाम में बैठे हुए आपको सब कुछ मिल रहा है। कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आप भी कल आए हैं? आप भी राजस्थान से हैं? आप भी राजस्थान से हैं? अच्छा, सब लोग राजस्थान से। जी बहुत धन्यवाद आपको, थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ चल के आपको। ये सब देखिए, ये देखो वाशरूम बनाया गया यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं इधर, ये है वाशरूम यहाँ का पूरा। तो ये देखिए यहाँ पे सब कुछ है, आपको दिखा दिया हूँ, चलता हूँ बाहर की तरफ। तो मैंने आपको सब कुछ अंदर का दिखा दिया है यहाँ पे, अभी पहला वीडियो है, मतलब ये आपको मैं अंदर का दिखाया हूँ पूरा। तो जाकि ये एक अपडेट है, उसको आपको दिखाया जाए, मतलब काफ़ी लोग सहयोग भी किए हैं वहाँ पे अंदर दिखाने के लिए मुझे, ये अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात क्योंकि मंदिर के अंदर है, हर जगह कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करने में भाई मना कर देंगे तो मना कर देंगे, अगर जाने देंगे तो ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी और बताया अच्छे से, उन्होंने जानकारी भी दिया यहाँ का पूरा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ गंगा द्वार की तरफ से, क्योंकि गंगा द्वार से नीचे नहीं जाने देंगे किसी को, क्योंकि जानते हैं गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ, गंगा का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। ये देखिए दर्शनार्थी लोग यहाँ पे दर्शन करने आए यहाँ पे। ये देखिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया, यहाँ पे हर जगह गार्ड भी लगाए गए हैं। तो चलिए आपको चलता हूँ उस तरफ, थोड़ा दिखाता हूँ गंगा व्यू गैलरी जो बनाया गया है, वेम गैलरी, तो उस साइड से। देखिए यहाँ पे लॉकर सुविधा बना दिया गया है, पहले उस साइड था, अब देखिए इस साइड खोल दिया गया है, ये गैलरी यहाँ पे लॉकर सुविधा बनाई गई, ये वहाँ से इधर शिफ्ट कर दिया गया है ना। अच्छी अच्छी बताइए, वहाँ पे कुछ खुलने वाला है क्या, मतलब जो वहाँ से शिफ्ट किया गया यहाँ पे कैंटीन खुलेगा, फूड कोर्ट यानी कि फूड कोर्ट। अच्छा, तो देखिए देख सकते हैं पहले उस तरफ था वहाँ पे जो बनाया गया था लॉकर सुविधा, अब देखिए इस तरफ बना दिया गया लॉकर सुविधा व्यूम गैलरी की तरफ। परमानेंट भैया यहीं पर रहेगा कि यहाँ तो भी चेंज होगा, ये इसके बाद जानकारी नहीं आपको? अच्छा चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए देखिए ये लॉकर सुविधा है, इधर से भी इस तरह से भी दिखा दे रहा हूँ चल के आपको, ये देखिए
देखिए यहाँ पे लोग कितना बेहतरीन सुविधा, देखिए यहाँ पे लोग स्नान सो भी रहे हैं, ये देखिए इधर से। तो ये देखिए यहाँ सबको दिखा, गंगा का जलस्तर दिखा रहा हूँ, गंगा का जलस्तर धीरे धीरे थमा हुआ, आप देख सकते हैं इधर उधर उधर का पानी घट गया है, धीरे धीरे घटना स्टार्ट हुआ हल्का हल्का पानी, फिर भी थोड़ा बहुत बहाव है अभी, आप देख खम्भे में देख रहे हैं उस तरफ यहाँ से। तो देखिए समय इधर आ गया हूँ मैं, और यहाँ से देखिए हम नज़ारे गंगा घाट का दिखाता हूँ चल के आपको इस तरफ से। ये देखिए, चलिए थोड़ा सा अंदर से दिखाता हूँ चल के इस तरफ से। ये देख रहे हैं पूरा काफ़ी बढ़िया दिखाया किया गया, और यहाँ भी बराबर पूरा जगह गार्ड भी लगाए गए हैं, मतलब प्राइवेट आप लोग हैं ना, प्राइवेट है ना लोग। चलिए थोड़ा सा मैं पास से दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। तो अब ये देख सकते हैं गंगा का जलस्तर कुछ प्रकार से अभी है यहाँ पे, क्योंकि गंगा का जलस्तर देख सकते हैं धीरे धीरे घटना स्टार्ट हुआ है। अभी गंगा द्वार से एंट्री नहीं दी जा रही है क्योंकि रास्ता भी नहीं है उधर से, क्योंकि पानी गहरा है इधर लोग चले जाएंगे इसलिए। देखिए इधर रस्सी बांध दिया गया है ताकि लोग पहले पास चले जाते थे, पहले पास चले जाते थे तो उनके लिए रस्सी बनाया गया है ताकि नज़दीक न जाए, क्योंकि जानते हैं काफ़ी नीचे है, गिरने का काफ़ी चांस है। सही कह रहा हूँ नहीं, आप मना भी करते थे, मानते नहीं थे लोग, काफ़ी अच्छा किए हैं। ये देखिए दिखा रहा हूँ पास से, अब देखिए कुछ दिन में खुद ही गंगा का जलस्तर घट जाएगा, यहाँ से रास्ता खुल जाएगा। तो ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा आप देख रहे हैं ये चीज़, ये बहाव देखिए यहाँ से, अभी बहाव भी कहा नहीं जा सकता है, गंगा का जलस्तर भी बढ़ सकता है क्योंकि अभी कल से रात से बारिश स्टार्ट हुई है। अब ये देखिए बहाव पूरा इधर से आ रहा है पानी इस तरफ से, ये यहाँ से आप देख लीजिए, ये अबर आवर है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन लगी हुई है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरफ से, उस तरफ आप देख रहे हैं ये बनाया गया है, आपका क्या बोलते हैं रैम बनाया गया, रैम बिल्डिंग काफ़ी ऊँची है, वहाँ तक पानी नहीं आ पाएगा अभी तक, क्योंकि वहाँ तक पानी आने के मतलब कि पूरा गंगा जो गंगा द्वार बनाया गया वहाँ तक चला जाएगा पानी। और वहाँ से आप देख रही ये है तटेश्वर महादेव मंदिर डूबा हुआ, जो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो देखिए इधर लोग सेल्फी लेने के चक्कर में एकदम लगे हुए हैं यहाँ पे इस साइड। चलिए थोड़ा पास इस तरफ दिखा देता हूँ चल के इस तरफ से, ये देखिए पूरा ये देख रहे हैं यहाँ तक पूरा ये बढ़ जाए, इससे पहले भी दिखाया था 2-4-5 दिन पहले मैं वीडियो बनाया था, तो यहाँ पे आप देखे होंगे इधर ये नाव लगाई गई है, पानी पहुँचता है पूरा वहाँ तक पहुँचता है, अंदर तक चला जाता है पानी पूरा। तो ये देखिए बहाव देख लीजिए आप किस प्रकार से है। तो चलिए वीडियो को ये समाप्त करते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर, मिलते हैं एक नई वीडियो, तो जय हिंद वंदे मातरम हर हर महादेव। जो मुझे भवन की वीडियो बनाए हो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, जितना शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता लग पाएगा कि मुझे भवन यहाँ पे खुल के काफ़ी जानकारी उनको मिलेगी यहाँ पर।